बहुत अच्छा काम किया पिछले दिनों, जिससे बहुत सारे उर्दू के लड़कों का रिजल्ट हम दे पाए हैं। निश्चित रूप से सभी लोगों का सहयोग हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण रहा है। आशा करते हैं हम, और हम हमेशा चाहेंगे ये हमसे जुड़े रहें। इनके लिए एक बार फिर से जोरदार ताली। इनके पास मेहनत के साथ साथ इनका नोट्स का जो समागम है वो वाकई में देखने में आता है। और जब ये उतरते हैं बोर्ड पर तो इतना Thank you.
उनके अमित शाह के यहाँ भेजते थे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, उनको रमना मैदान से रोज रोज के आती थी। अब अदिति सर हमसे तो नहीं होगा एकदम, और शाही खान करके पहले दिन इनके पास पहुंची थी। थोड़ा सा कहानी है साध अहमद से उनका जो है दृष्टान दो मिनट के लिए प्रस्तुत कर दे। अच्छी रिपोर्टें आती है इनके बारे में और कई बार हम इनके विद्यालय का अनुसरण करने गए हैं। एकदम वही लयताल है जो मेरा हुआ करता था, पढ़ाने में भी वही स्थितियां आती है जो मेरा हुआ करता था। तो ऐसा बड़ा खुशी होता है कि वाकई में मेरा फोटो स्टेट कहीं मौजूद है। तो राजा विनाश को ताली बजा दीजिए थोड़ा सा।
चाहते हैं। हमें आशा करता है कि इस बिहार की मिट्टी को मंत्री जी जरूर फिर से एक बार पुनर्वस्थित किरण प्रकाश देने का काम करेंगे। मंत्री जी से हमें विश्वास है, मंत्री जी आप छात्रों के आवाजों को जरूर सड़क तक पहुँचाने का काम करेंगे। डॉक्टर सुजीत भारत जी का जो कार्यक्रम चल रहा है लगातार जारी है सनातनी धर्म से, आप जरूर सुने हैं तो धीरे जी बताया कि मंत्री जी का प्रोग्राम चल रहा है, तो हम लोग लुक भी पसंद करते हैं, उसमें मंत्री जी के भी साथ हैं। अब मैं आगे शिक्षक सम्मान की जो कमियों में लोग हैं, मैं चाहूँगा नाम राजू कुमार जी, राजू कुमार जी आप सीमा जी आइए लाइन में, वही लग जाइए। सीमा जी के लिए लाइए कुछ मोमेंटो, सीमा जी के लिए मोमेंटो लाइन आप लोग। और उसके बाद अंकिता जी, अंकिता जी उसके बाद प्रदीप जी, सोनू कुमार जी आ गए हैं, आप लोग देते जाइएगा धीरे धीरे। अंकिता जी कहो क्या जी, अजीत कुमार जी मुक्ता जी आ गए, अजीत जी हैं, मोहम्मद मुख्तार अंसारी जी, और ताली बजाते रहिए आप लोग, क्या बात है। अजीत भाई बहुत ही प्यारे, बहुत ही हंसो में अजीत जी आइए, अजीत जी आप सब के बारे कॉलेज का नाम लिया,
तो मैं अभी एक बहुत ही पारिवारिक दुखद स्थिति से गुजर रहा हूँ। हमारी अर्थांगिनी अब रही नहीं। विगत 52 वर्षों से हमारे साथ रही, लेकिन ईश्वर की जो इच्छा होती है उसके आगे आदमी हमेशा मस्तक होता है। मैं उन सब जो हम लोग यहाँ क्रियाकर्म के कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर थोड़ा ज्यादा व्यस्त रहा, तो भी मैं आपके बीच में आया। इसलिए आया, अब हम हिज कवरेज को मैं अपने दृष्टिकोण से शहर में उसकी मान्यता किस रूप में भी हो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अब हिज कवरेज हो ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा कि शिक्षा का अवसर मांगा देते हैं। साथ साथ में इस इंस्टीट्यूट से बहुत मेरा पुराना संबंध रहा, मेरे मामा वगैरह का भी संबंध रहा, तो हमारी जब भी जरूरत होगी किसी भी तरीके से कहीं भी बच्चों को कहीं आपके एजुकेशन की जरूरत हो या कहीं आपको बाहर में हमारी आवश्यकता हो कि नहीं हमारी मदद आपकी हो जाएगी तो हम कहीं बेंगलोर में पढ़ लेंगे, दिल्ली में पढ़ लेंगे, कहीं पढ़ लेंगे, तो वैसे मैं अपने बच्चों को हमेशा सहयोग करूंगा। चाचा तो था कि बहुत देर आपके बीच रहूँ, अच्छा लगता है विद्वत जनों के बीच रहना, लेकिन थोड़ा सा वहाँ परिवार में भी रहना भी आवश्यक है कि जीवन में कोई पिछड़ता है तो ठीक है, तो होता ही है, लेकिन जब जीवन संगिनी चली जाती है तो जिसको आप धांगिनी कहते हैं, तो उसके बाद वास्तव में आदमी आधा ही रह जाता है। ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करो और मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, हमारे लायक कोई सेवा होगी।